हेलो एवरीवन, मैं पारुल गाबा, एसोसिएट प्रोफेसर केआरसीएचई। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ सर्विस। सर्विस मार्केटिंग का ही एक टॉपिक है। सबसे पहले मैं स्लाइड नहीं दिखाऊंगी कि कंपोनेंट्स होते क्या हैं। देखिए, अगर मैं सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज दो तरह की होती हैं, एक तो टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल में मतलब आपको कुछ साथ में फिजिकल भी कुछ दिया जाता है, बट इंटेंजिबल जो कम्प्लीटली हमको दिखाई नहीं देती है। तो किसी भी सर्विस को बनाने के लिए उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, राइट? पहले कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रोडक्ट, देन सेकेंड की सर्विस प्रोडक्ट, थर्ड की सर्विस एनवायरमेंट, एंड द फोर्थ इज सर्विस डिलीवरी। नाउ व्हाट इज फिजिकल प्रोडक्ट? हमें सबको पता है फिजिकल प्रोडक्ट, अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं, हम किसी से शॉपकीपर से कहते हैं हमें कोई प्रोडक्ट दीजिए, तो जो वो हमें फिजिकल फॉर्म में देता है, चाहे वो आप सोप कह लीजिए, आप कोलगेट कह लीजिए, हम उसको प्रोडक्ट भी कहते हैं। मैं फिजिकल प्रोडक्ट की ही बात कर रही हूँ। वो सब एक शॉपकीपर क्या है, कस्टमर ने मांगा, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट जब वो प्रोवाइड कर रहा है तो साथ में क्या दे रहा है, एक फिजिकल प्रोडक्ट भी दे रहा है। हम एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं। कुछ सर्विसेज जो होती हैं हमें फिजिकली कुछ दिखाने पर मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं मेडिकल पे जाती हूँ तो मुझे वो मेडिसिन तभी देता है जब मैं डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाती हूँ। तो समथिंग टेंजिबल आई एम शोइंग टू दैट पर्सन, और फिर वो मुझे इन रिटर्न मेडिसिन दे रहा है। इसी तरीके से अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो सबसे पहले मुझसे क्या मांगता है, मेरी रिपोर्ट्स। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसमें आप कुछ फिजिकल दिखाते हैं, तब जाकर आप सर्विसेज अवेल कर पाते हैं, राइट? अब आता है आपका सर्विस प्रोडक्ट। अब सर्विस प्रोडक्ट क्या होता है कि जब भी हम सर्विसेज देते हैं जो इनटेंजिबल होती हैं, राइट, वो सर्विस प्रोडक्ट में आती है बेसिकली। अब इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है ना, उसको कुछ टेंजिबल नहीं मिल रहा होता, वो कुछ एक्सपीरियंस ले रहा होता है। मैं एक एग्जांपल ले सकती हूँ, जैसे कि अगर मैं स्पा पे गई हूँ तो मुझे कोई चीज़ फिजिकल नहीं मिल रही है, बट मैं वो एक्सपीरियंस ले रही हूँ कि वो कैसा है। अगर मैं किसी सलोन पे गई हूँ तो वो मेरे हेयर कट कर रहा है, तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, बट मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं उस टाइम, ये एक ऐसी स्टेज हो जाती है जिसपे हमें एक्सपीरियंस, जो हमारा डिज़ायर्ड आउटकम है, क्या वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, वो हमें इस स्टेज पर पता लगता है। सर्विस एनवायरनमेंट, सर्विस एनवायरनमेंट की मैं अगर बात करूं तो एनवायरनमेंट वो होता है जो मुझे दिखाई देता है, राइट? जैसे कि फिजिकल एम्बियंस हो गया, अगर मुझे, मैं स्विमिंग पूल जा रही हूँ तो वो कितना क्लीन है, तो मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर फोर्थ कंपोनेंट की करें, ये मैं आपको एक जिस्ट दे रही हूँ, आगे हम इसको डिटेलिंग में फिर से करेंगे। अगर मैं सर्विस डिलीवरी की बात कर रही हूँ तो अल्टीमेटली हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, हमारे कस्टमर को चाहिए कि उन तक गुड्स कैसे पहुँचे हैं। अगर मैं फ़ोन करती हूँ, सपोज करिए मैं एक रेस्टोरेंट में फ़ोन करती हूँ, अपने रूम से, होटल में सॉरी, फ़ोन लगाती हूँ कि मुझे खाना चाहिए, अगर वो 2 घंटे के बाद आए तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या अपने मन में लेकर आओगे कि यहाँ की सर्विस डिलीवरी कैसी है, राइट? तो अगर आप सर्विस को बहुत अच्छे से अपने कंज्यूमर तक पहुँचाना चाहते हैं तो उसका डिलीवरी चैनल्स देखने होंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द स्टाफ, कितनी जल्दी वो एक्टिव होते हैं, राइट? तो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मेन कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने आपको फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में बता चुकी हूँ, ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम देख सकते हैं, हम छू सकते हैं, जैसे कि कोई भी ऑटोमोबाइल्स हो गया, कंप्यूटर, बुक्स, जो भी प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो कस्टमर ओरिएंटेड हो, जो भी हो वो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो एंड उसको सेटिस्फैक्शन दे, उसको हेयर मींस कस्टमर। नाउ द सर्विस प्रोडक्ट,
सर्विस प्रोडक्ट में मैंने आपको कहा आप एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया आप स्पा में जा रहे हैं, आप हेयर कट में जा रहे हैं। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप शोरूम पर जाते हैं कार के, तो आपको कार के शोरूम में घूमने दिया जाता है, क्या होता है आप देख रहे होते हैं कि कौन सा कार अच्छी है, कौन सा मॉडल अच्छा है, और एट टाइम्स आपके पास सेल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होते, तो उस टाइम क्या हो रहा है आपके यहाँ पास फिजिकली कार ट्रांसफर नहीं हो रही है, यू आर जस्ट चेकिंग द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट, दैट व्हिच मॉडल इज बेटर। देन सर्विस एनवायरमेंट, सर्विस एनवायरमेंट में आपका फिजिकल आप एनवायरमेंट बना लेते हैं कि आप फिजिकली एम्बियंस कैसे हैं। अगर एक एनवायरमेंट होता है, अगर हाँ मैं हम लोग डीयू के पास जाते हैं, डीयू में तो उसके पास देखेंगे आसपास कैंटीन्स बहुत हैं और खाने का बहुत है, वो पिक्चर्स लगा के कि यहाँ पर खाना मिलता है, फूड मिलता है, तो वो एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। वो किस चीज़ का सिग्नल देता है, वो एनवायरमेंट सिग्नल देता है इंटेंडेड मार्केट सेगमेंट का, और कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, राइट। तो फिजिकल एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज, बिकॉज कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो मेनली डिपेंड होती हैं एनवायरमेंट पे, जैसे कि हमारी होटल की बुकिंग्स एंड ऑल। देन सर्विस डिलीवरी, ये बहुत अच्छे से कहा गया है, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। इसका मतलब क्या है, सर्विस डिलीवरी एक्चुअली हैपन्स व्हेन कस्टमर बाय दी सर्विस, जब वो आपकी सर्विसेज को अवेल कर रहा होता है, बट अब आपको इन एक्चुअली उसको सर्विसेज कैसी मिली हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं अगर किसी होटल में फ़ोन करती हूँ फॉर फूड, अगर वो मुझे टाइमली नहीं मिल रहा तो मेरा क्या है, होटल का सर्विस डिलीवरी चैनल जो है वो वीक है। तो सर्विस प्रोवाइड करते वक्त सर्विस डिलीवरी का बहुत ध्यान देखना पड़ता है। अगर हम कोई चीज़ जोमैटो से ऑर्डर करते हैं, वो 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद आए तो आपको कैसा लगेगा। तो हमें अगर वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस डायनेमिक यू नो चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंपटीशन, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपनी स्ट्रैटेजी इस तरीके से बिल्डअप करनी पड़ेगी कि हमारे सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हो। अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट होने चाहिए और बट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर, राइट। एनवायरमेंट भी होना चाहिए, देन सर्विस प्रोडक्ट भी होना चाहिए, एंड मेनली डिलीवरी वो भी प्रॉपर वे में एक कस्टमर तक पहुँचनी चाहिए। ओके, अब हमें कॉम्पोनेंट्स पता लग गए हैं, अब हम लेवल ऑफ सर्विसेज में चलते हैं। देखिए सर्विसेज की बात करें हम तो 4 लेवल्स होते हैं, कोर और जेनरिक लेवल, एक्सपेक्टेड लेवल, ऑगमेंटेड लेवल एंड दी पोटेंशियल लेवल। नाउ व्हाट इज कोर, कोर का मतलब होता है बेसिक, बेसिक सर्विसेज जो हम अवेल कर रहे हैं ना उसका मेन पर्पस क्या है। एक कोर और जेनरिक लेवल में ये भी कहा जाता है कि जो इसमें कुछ समथिंग टेंजिबल मिलती है हमें, जैसे सोप, शैम्पू, हम और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप इसमें ले सकते हैं कोर और जेनरिक में। कोर का आपको स्टार्टिंग ही पता लग गया कि जिसके लिए मैं सर्विस ले रहा हूँ या जिस चीज़ के लिए मैं ले रहा हूँ, राइट। अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ ना, एक हम थोड़ा ब्रॉड वे में चलते हैं, सर्विसेज जो होती है ना अगर वो जनरल भी होती हैं और स्पेसिफिक सर्विस भी होती हैं। नाउ जनरल सर्विस क्या होती है, अगर मैं एग्जांपल लूँ दिल्ली मेट्रो का, तो दिल्ली मेट्रो सबके लिए ओपन है, राइट। इसमें ये तो नहीं है कि आप जा सकते हो, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, आप नहीं जा सकते, इस तरह का तो नहीं है। तो जनरल सर्विसेज का मतलब होता है जो सब अवेल कर सकते हैं। स्पेसिफिक सर्विसेज का मतलब होता है मैं एक रेस्टोरेंट में गई और मैंने एक फूड ऑर्डर करा, तो वो किसके लिए है, सिर्फ मेरे लिए है, दैट इज स्पेसिफिक सर्विसेज। हम कोर हम समझ चुके हैं, जेनरिक जिसमें कुछ टेंजिबल मिलता है, ये बेसिक होता है जो मतलब बेसिक चीज़ होती है। अगर मैंने होटल में रूम लिया है तो मेरा बेसिक पर्पस है उसमें रहना, उसकी एडिशनल सर्विसेज जो हैं सप्लीमेंट्री सर्विसेज वो अलग है, जैसे स्विमिंग पूल, स्पा, जिम एक्सेट्रा। देन वी कम टू द एक्सपेक्टेड लेवल। एक्सपेक्टेड लेवल का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी कंज्यूमर जब सर्विस अवेल करता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एक्सपेक्टेशंस मतलब
एक मिनिमम स्टैंडर्ड कि इतना तो होगा ही होगा। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती तो मैं ये मान के चलती हूँ कि इनके मेन्यू में खाना और पानी तो होगा ही होगा, बेसिक होगा। मैं ये नहीं कहती कि कॉन्टिनेंटल भी होगा, मैक्सिकन फूड भी होगा, जापनीज फूड भी होगा। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर है तो ये बेसिक चीज़ें तो होंगी होंगी, एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ सर्विसेज। नाउ ऑगमेंटेड लेवल क्या होता है? कई बार क्या होता है, हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, उसके साथ कुछ और भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं HDFC बैंक का। HDFC बैंक को नंबर वन बैंक माना गया है। वो किस लिए माना गया है कि ये बैंकिंग सर्विसेज बहुत अच्छी करती है, बट समथिंग अदर ऑल्सो, मतलब कुछ एडिशनल भी करती है। क्या क्या? इनकी ऑनलाइन सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं, इनके ATMs भी बहुत अच्छे हैं। तो ये क्या ऑगमेंटेड, जो आप मेन काम कर रहे हो उसके साथ साथ आप जो सप्लीमेंट्री या फिर एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो भी आपकी अच्छी हैं। तो ऑगमेंटेड मीन्स मेन प्लस एडिशनल सर्विसेज। ना हो पोटेंशियल, हमें पता है हम एक चेंजिंग एनवायरमेंट में रहते हैं और चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंट बदलती हैं। अब जो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हमने जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सीखे थे क्या वो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते हैं? राइट? हम सबसे बड़े एग्जांपल कार्स का ले लेते हैं। हर साल नया मॉडल आता है, कुछ इनोवेशन होता है। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कुछ चेंज होने की क्षमता, अगर मैं बिल्कुल प्योर हिंदी में बोलूँ तो क्षमता टाइप। तो पोटेंशियल चेंज होना, कब चेंज होना? अकॉर्डिंग टू दी चेंजिंग एनवायरमेंट। पोटेंशियल, हर एक सर्विसेज में पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप को रेगुलर अपडेट करे अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट। तो दीज आर द लेवल ऑफ सर्विसेज। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में हम सबने पता है, टेंजिबल, हमें सबसे ज़्यादा दोनों में ही पता ही लग गया है। सर्विसेज मेनली इंटेंजिबल होती है और कहीं ना कहीं इसलिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए। जैसे कि प्रोडक्ट में भी, प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है, उसमें भी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से सर्विसेज में भी कॉम्पिटिशन होता है, इसमें भी एक लेवल आता है, एक सेचुरेशन पॉइंट आता है। और इसकी भी चार स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज जो होती है वो होती है इंट्रोडक्शन, दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है ग्रोथ, थर्ड इज मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। वी विल डिस्कस वन बाय वन एवरीथिंग। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन फर्स्ट। अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ मैं, तो जैसे प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट में भी आप आपकी ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें सेल्स जो होती हैं वो कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? क्योंकि आपका प्रोडक्ट अभी नया है, जो कस्टमर है वो अभी अवेयर नहीं है आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो इस स्टेज में तो ये होता है कि आपको बस अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को आपको पोजीशन करवाना है इस मार्केट में, राइट? अब एक ग्रोथ आ जाती है। ग्रोथ में अगर हम देखें, हम एक ऐसा करते हैं, हम एक ये ग्राफ सा बनाया हुआ है मैंने, इसको ही हम देख लेते हैं, राइट? इंट्रोडक्शन में मैंने जो कहा था लो सेल्स, राइट? क्योंकि लोग अवेयर नहीं होते हैं। हाई कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ज़्यादा होती है क्योंकि आप अभी मास प्रोडक्शन नहीं करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्ट को नहीं लगाते हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने में, बिकॉज यू नो यू आर नॉट श्योर कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। एंड इंट्रोडक्शन में एट टाइम्स देयर आर नो प्रॉफिट्स, बट हम ठीक हैप्पी रहते हैं व्हेन द आर कॉस्ट आर कवर्ड, यू नो। ग्रोथ स्टेज की बात करूँ मैं, तो इंक्रीजिंग सेल्स हो जाती हैं, राइट? और इसमें क्या हो जाता है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। व्हाई रिड्यूसिंग? क्योंकि अब आपका सर्विसेज जो है वो बढ़ रही हैं, लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस आ गई है, लोगों को विश्वास आ गया, दे हैव बिकम लॉयल टूवर्ड्स यू, राइट? और ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आप प्रॉफिट भी अर्न करना शुरू कर देते हैं। देन मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी की बात करूँ तो इसमें भी रिड्यूसिंग कॉस्ट होती है और आपके प्रॉफिट्स भी अभी तक अच्छे रहते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आता है। अब डिक्लाइनिंग स्टेज एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहाँ पर हमारा ग्राफ नीचे हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो ग्राफ नीचे जा रहा है, राइट? तो उसमें आपको क्या करना होता है
कि आपकी जो सेल्स होती हैं वो रिड्यूस होने लग जाती हैं, आपकी जो कॉस्ट होती है वो एक कांस्टेंट रहती है, राइट, और आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो रिड्यूस होने लग जाते हैं। तो इस टाइम पर हर प्रोडक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है, एक सर्विस की लाइफ साइकिल होती है, तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए? अब डिक्लाइन स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम डिसाइड करते हैं क्या हमें अपनी सर्विसेज को कंटिन्यू करना है या उसको बंद कर देना है, शट डाउन जिसको हम कहते हैं। अगर सर्विसेज को हमें हमेशा कंटिन्यू रखना है तो क्या क्या इनोवेशंस लाने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस जो हैं और टेस्ट है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट चेंज होता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपडेट करते रहने चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ आर कस्टमर्स। आई होप दीज फोर स्टेजेस आर वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? दिस इज इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। क्या सर्विसेज का आइडिया डेवलप करना, एक आइडिया आया हमको और हमने सर्विस डेवलप कर दिया, क्या ये इतना आसान होता है? क्या इसमें एफर्ट्स नहीं लगते? हम जानते हैं कोई भी सर्विसेज हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करें उसमें बहुत सारा एफर्ट लगता है, क्योंकि अगर हमारी स्ट्रैटेजी या हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़रा सी भी कमी रह जाती है तो वो उसका रिजल्ट क्या होता है? लॉसेस फाइनेंशियली भी होते हैं, लॉस ऑफ रेपुटेशन भी होता है, लॉस ऑफ गुडविल भी होता है। तो कभी भी अगर कोई भी चीज़ का हमको आइडिया आए, राइट, तो हमें एकदम से नहीं उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और वो स्टेप्स हमें वन बाय वन फॉलो करने चाहिए ताकि अल्टीमेटली जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को वो उनको सेटिस्फैक्शन भी दे और कहीं ना कहीं कंपनी के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करें। अगर मैं पहले स्टेप पर आऊँ तो सबसे पहले होता है आइडिया जनरेशन, राइट? किसी भी सर्विस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? एक आइडिया होना चाहिए, क्या काम करेंगे, कब करेंगे, कैसे शुरू होगा। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आती हैं आइडियाज़ के साथ चली जाती हैं, राइट? हमारे आइडिया में ऐसा क्या यूनिक है, क्या डिफरेंट है हमारे कॉम्पिटिटर्स से कि हम ये चीज़ सर्विसेज को डेवलप करें। अब जब हम आइडिया डेवलप करने लगते हैं तो हम दोनों ही चीज़ें देखते हैं, क्या क्या? अपने इंटरनल सोर्सेस एंड आर एक्सटर्नल सोर्सेस। इसी के बेसिस पे कई बार हम बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे होते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये प्रोवाइड करेंगे, 5-star होटल बनाएंगे। क्या ये फिजिबल है? आपके पास अपने रिसोर्सेज हैं? आपको कोई भी आइडिया जब आप डेवलप करते हैं तो हमें उसकी फिजिबिलिटी भी ज़रूर देखनी चाहिए, क्या ये प्रैक्टिकल है, ऐसा मुमकिन हो पाएगा? तो जब हम आइडियाज़ को देखते हैं तो डेफिनेटली वी टेक इनटू अकाउंट बोथ दी इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सोर्सेस। आइडिया स्क्रीनिंग, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, एन नंबर ऑफ आइडियाज़। अगर मैं ही अगर कोई बच्चे से पूछूं स्टार्टअप करने का, आज ये करना है, कल वो करना है, तो आइडियाज़ बहुत सारे आते हैं। हमने एमपीओबी में भी पढ़ा है ना, प्लानिंग के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बट हमें कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करना होता है, विच इज़ बेस्ट वन। तो आइडिया स्क्रीनिंग में हम देखते हैं, स्क्रीन करते हैं कि कौन से यूज़फुल हैं और कौन से यूज़फुल नहीं हैं, और जो यूज़फुल हैं वो हमारे कंपनी के फाइनेंशियल गोल्स और वैल्यूज से मिलते हैं। आइडिया तो आपने ले लिया और स्क्रीनिंग में आपको ये भी देखना होगा कि उस आइडिया को पूरे करने के लिए फाइनेंसेस जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, और जो फाइनेंशियल गोल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वो इसको सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। वैल्यूएबल, जो आपकी लाइन, अब मैं सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन की टैग लाइन है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स और मैं क्या बेच रही हूँ, क्रैकर्स, तो और आइडिया क्या है, दिवाली आ रही है तो हम क्रैकर्स बनाते हैं, तो क्या ये मेरी कंपनी के वैल्यू से मिलता है आइडिया? तो आइडिया स्क्रीनिंग में हम दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, एक तो कस्टमर वैल्यू एंड फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स ऑल्सो। कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग,
ये हमारी थर्ड स्टेज होती है सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस में। इसमें क्या होता है कि जो हमारे अच्छे आइडियाज़ हैं उनको उनका हम डिटेल कंसेप्ट बनाते हैं, और जो भी वो कंसेप्ट होता है वो कस्टमर कंज्यूमर ओरिएंटेड होना चाहिए, राइट। आपने आइडिया आ गया, स्क्रीनिंग कर ली, स्क्रीनिंग के बाद आपके दिमाग में हो गया कि अब हमें इस टाइप का सर्विस बनानी है, उसकी अब डिटेलिंग करिए। और डिटेलिंग जब भी करिएगा आप अपने माइंड में किसको रखेंगे, अपने कंज्यूमर को। व्हाई? बिकॉज अल्टीमेटली ये कंज्यूमर ही है जो आपकी सर्विसेज को अवेल करेगा, राइट। देन डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ये क्या है, ये आपकी फोर्थ स्टेज है, राइट। इन दिस स्टेप कंपनी ट्राइज टू कम अप विद द स्ट्रैटेजीज टू इंट्रोड्यूस अ प्रॉमिसिंग सर्विसेज इनटू द मार्केट। अब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, उस स्ट्रैटेजीज के थ्रू आप कंज्यूमर को, अपनी जनरल पब्लिक को बताते हो कि हम एक सर्विसेज के साथ आ रहे हैं और देखिएगा वो बहुत ही प्रॉमिसिंग सर्विस होगी। हमने टीवी में भी बहुत सारे ऐड देखे हैं कि कुछ एक हल्का सा ऐड दिखा दिया, वेट या फिर नेक्स्ट टाइम। तो वो कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है कि हमें लोगों को बताना है कि हम स्ट्रैटेजीज, हम प्रॉमिसिंग सर्विसेज बना रहे हैं फॉर द कंज्यूमर्स, क्योंकि हमने सारी डिटेलिंग, सारा डेवलपमेंट करा है कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, राइट। देन हमारा आता है नेक्स्ट स्टेज, बिजनेस एनालिसिस। अब आप कोई भी बिजनेस करते हैं, हम जानते हैं कि हम उसमें रिस्क होता है। जब हम बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारा शुरू में इंट्रोडक्शन स्टेज में यही एक रहता है कि एटलीस्ट कॉस्ट कवर हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो अब हमने सोच लिया, स्ट्रैटेजीज भी सोच ली, आइडिया स्क्रीनिंग डेवलप डिटेल हो गया, सब कुछ हो गया, बट हमें क्या करना है, अब हमें उससे रिलेटेड एसोसिएटेड रिस्क को भी देखना है। हमें प्रोजेक्ट करनी है कितनी सेल्स होंगी, कितनी रेवेन्यूज होंगी। तो एक विक्रस हम R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। द सर्विस कंसेप्ट इज पुट थ्रू अ विग्रस बिजनेस एनालिसिस और टेस्ट इन ऑर्डर टू असर्टेन प्रोजेक्टेड सेल्स एंड रेवेन्यूज एंड ऑल्सो असेस रिस्क एंड वेदर द आइडिया ऑफ सर्विस इज फाइनेंशियली फीजिबल, राइट। आपका आइडिया आ गया, अब आप उससे रिलेटेड रिस्क वगैरह भी चेक कर लेते हो, राइट। अगर ये स्टेज भी आपकी पास हो जाती है तो आप फिर क्या करोगे, देन आप नेक्स्ट स्टेज पर एंटर करोगे, दैट इज सर्विस डेवलपमेंट। जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि जो प्रोडक्ट का, जो सर्विसेज का आइडिया है वो हमारे कंपनीज के गोल से मिलता है, तो कंपनी जो है ग्रीन लाइट इशू कर देती है, गो अहेड, गो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सर्विसेज। द रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग ऑफ द विंग जो होती है कंपनी की, वो एक्टिव हो जाती है, वो कंसेप्ट पर महीनों साल तक काम करती है टू कम अप विद द वर्किंग एंड फंक्शनल प्रोटोटाइप ऑफ द सर्विस कॉन्सेप्ट। यानी सर्विस का डेवलपमेंट पूरा एक रोड मैप बनता है। अगर आज मेरा सपना है कि मैं एक होटल खोलूं, तो क्या यह रातों रात खुल जाएगा? मैं भी आइडिया देखती हूं कहां खोलूं, इस जगह पे खोलूं, स्क्रीनिंग करती हूं, उसके बाद मैं बिजनेस एनालिसिस करती हूं कि यहां पर कितने सारे होटल्स हैं जो और भी खुले हुए हैं, इनसे रिलेटेड रिस्क क्या है, हम रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर ये सब चीज़ों में हम पास हो जाते हैं तो हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, गो अहेड। तो हम क्या करते हैं, हमारी R&D जो है कंपनी के विंग, वो एक एक्टिव हो जाती है और वो डेवलपमेंट में शुरू हो जाती है। यहाँ से हमारा प्रोसीजर जो होता है डेवलपमेंट का स्टार्ट हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट मार्केटिंग। ये क्या है, ये रियलिस्टिक टर्म्स में टेस्टिंग करती है। अभी तो क्या है, हमने सिर्फ अपनी मर्जी से एनालिसिस करा है, पूछा है, अब क्या करें, ये रियलिस्टिक मार्केट सेटिंग्स में करती है। ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो प्रोवाइड करती है इनसाइट, प्रोवाइड करती है कि कैसे हमारी सर्विसेज जो हैं वो मार्केट में इंट्रोड्यूस्ड होंगी, एडवर्टाइज्ड होंगी और फाइनली हमारे कंज्यूमर कस्टमर को सोल्ड करी जाएंगी। तो देयरफॉर दीज आर द ऑप्टिमाइजेशंस, देयरफॉर एनी ऑप्टिमाइजेशन, अगर ये रियलिस्टिक होती है कि
हमने पहले मार्केट में अगर हमें लगता है कि नहीं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से फेलियर होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस होंगे तो डेफिनेटली हम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ टेस्ट मार्केटिंग, तो ये क्या है, ये रियलिस्टिक टर्म्स में है। देन कम्स दी कमर्शलाइजेशन। नाउ व्हाट इज कमर्शलाइजेशन? दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ सर्विस डेवलपमेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गैदर ड्यूरिंग द टेस्ट मार्केटिंग। आपने देख लिया कि रियलिस्टिक टर्म्स में अगर हम इन सर्विसेज को मार्केट में लेकर आएंगे तो क्या होगा उसका, तो उसके बाद क्या होता है, द बिजनेस मैनेजमेंट में ईदर डिसाइड टू गो अहेड विद द लॉन्च ऑफ द सर्विस और पुट इट ऑल एज अ बैक बर्नर। जब आपकी रियल टेस्टिंग हो जाती है उससे आपको रिजल्ट्स जो हैं वो रियलिस्टिक टर्म्स में मिल जाते हैं। जब रियलिस्टिक टर्म्स में मिल जाते हैं तो अब मैनेजमेंट, अगर तो वो सक्सेसफुल होता है तो मैनेजमेंट कह सकती है, डिसाइड कर सकती है टू द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट और द सर्विस, और अदरवाइज इसको पीछे रख दिया जाएगा कि अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है एंड दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस और लॉन्च द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट इन द मार्केट, देयरफॉर हमें इस पर थोड़ा काम करना है, तो वो भी स्टॉप कर दिया जाता है। So therefore, I just want to say ki that service development process is not very easy. It's a rigorous process and it involves lot of efforts. First is idea generation. Second is idea screening. Third is concept development and testing. Then the development of marketing strategy, business analysis, service development, test marketing, कमर्शलाइजेशन इज द फाइनल स्टेप। सो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कॉम्पोनेंट्स ऑफ सर्विसेज, जो कि मैंने फोर कॉम्पोनेंट्स बताए हैं। आफ्टर दैट हमने पढ़ा है फोर लेवल्स ऑफ सर्विसेज। आफ्टर दैट हमने पढ़ा है लाइफ साइकिल ऑफ द सर्विसेज एंड द लास्ट वन इज हाउ टू डेवलप न्यू सर्विसेज। उसका हमने पूरा प्रोसीजर या कह लीजिए प्रोसेस पूरा डिटेल में पढ़ा है। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया होगा वो उतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर यू नो लिसनिंग मी, थैंक यू।